So hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. So right now it's 4:20 in the morning. अभी मैं और जीजू जा रहे हैं जूम कार लाने के लिए, जो कि हम लोग ने बुक किया था जूम कार फॉर 2 डेज. हम लोग का प्लान है आज श्रीशैलम जाने का, मल्लिकार्जुन. 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पे ये ज्योतिर्लिंग आता है. और ये ज्योतिर्लिंग का स्पेशलिटी ये है कि ये पूरा जंगल के अंदर सिचुएटेड है. सो अभी हम लोग जूम कार लेने के लिए जा रहे हैं. चलो आपको भी प्रोसेस बताता हूँ कैसा क्या है जूम कार का फीचर. वी हैव रीच्ड द लोकेशन पर यहाँ पे क्लोचा हो गया है. यहाँ पे सब जगह टू व्हीलर्स है. और वहाँ पे जीजू जाके थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को यहाँ से निकलने का और रिवर्स मारने का है. और इतने सारे टू व्हीलर्स में हालत टाइट होने वाली है. सो गाइस, फाइनली हम लोग ने गाड़ी वहाँ से निकाल लिया. मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वैसा. भाई साहब, गाड़ी बाहर निकालते निकालते बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया मैं तो. बहुत ही गली थे वहाँ पे, गली में से गली. सो राइट नाउ फाइनली मेन रोड पे आ गए हम लोग. और यहाँ पे फ्यूल ब्रेक लिया है हम लोग ने. फ्यूल ब्रेक के बाद डायरेक्ट अभी घर पे जाएंगे. घर से डायरेक्ट ऑन द वे टू श्रीशैलम. हर हर महादेव. चलो गाइस, एवरीवन इज सेट और अभी निकलते हैं टुवर्ड्स श्रीशैलम. चलो ऑल सेट, गो. लेट्स गो. ओके, गणपति बप्पा बाल मूर्ति, हर हर महादेव. राइट नाउ अभी हम लोग आए मैसी गंडी, जो कि ऑन द वे मैसा माँ देवी का टेंपल दिखा. टेंपल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है. जाके स्कल्पचर्स देखो और सामने देखो कितना बड़ा वाडू है, मतलब एंट हिल. और यहाँ पे भी है. और टेंपल का कलर देखो कितना मस्त है. बाहर से भी बहुत ही मस्त है टेंपल. रुको, आपको बाहर जाके दिखाता हूँ. यहाँ पे अभी मैंने प्रसाद लिया हूँ, प्रसाद खाते और दर्शन, हम लोग का दर्शन हो गया है. भीड़ कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सो हम लोग ने सोचा ऑन द वे ही टेम्पल है, देवी का दर्शन लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग. और नेक्स्ट स्पॉट होने वाला है डिंडी डैम, वहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले. अरे सॉरी गाइस, आपको देवी का दर्शन तो नहीं दिया. चलो अभी आपको देवी काली माता का दी. तो वैसे ये है मेन मैसा माँ टेम्पल, जो कि आपको बोला ना बाहर से दिखाऊंगा कितना मस्त है. यहाँ पे एंट्री टिकट है. नॉर्मल दर्शन, मुख दर्शन के लिए 10 रुपीज़ है. और अगर आपको चरण स्पर्श करना रहेगा तो उसका 100 रुपीज़ है. ये टिपिकल गांव के अंदर है, इसलिए यहाँ पे 10 रुपये देंगे तो इतना कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा, उल्टा अच्छा ही है. डेवलपमेंट होगा टेम्पल का. सो अच्छी बात है एंट्री फीस रखा है, वो भी मिनिमम 10 रुपये. जो कि बारिश कम गिरने के वजह से डैम ओवरफ्लो नहीं हो रहा है. और यहाँ पे तो फिश फार्मिंग हो रहा है. हमने वो लोग बेच रहे फिशेस, ये है ना, फिशेस बेच रहे हैं लोग. यहाँ पे झुमका भाकर मिल रहा है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है झुमका भाकर.
ये अपने को साउथ में देखने को मिल रहा है। चलो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं ऊपर जाने का, वहाँ पे स्टेयर्स है, स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं डिंडी डैम का। अभी इस वाले लोकेशन से श्रीशैलम बाकी है 120 किलोमीटर, आगे जाके जंगल स्टार्ट होगा और घाट सेक्शन भी स्टार्ट होगा जो कि मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला एक्सपीरियंस। और श्रीशैलम जाने के रास्ते में घाट सेक्शन में एक नंबर व्यू है, आपको भी मैं व्यू दिखाऊंगा, डोंट वरी। ऑन द वे जाते जाते आपको भी व्यू दिखाते रहूंगा मैं। यहाँ पे 50-60 स्टेट्स चल के ऊपर जाने का और मस्त व्यू का आनंद लेने का आनंद। ये है डिंडी डैम, दरवाजा यहाँ पे एक भी नहीं है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे फ्लो होते हुए बहते रहेगा। यहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा सा बाकी है ओवरफ्लो होने के लिए, पर यहाँ पे आज बारिश नहीं है। वेदर फोरकास्ट में गूगल माता बोल रही थी कि आज बारिश होगा, ऑन द वे जोरों से बारिश होगा, पर यहाँ पे तो फुल क्लाइमेट प्लेन है जो कि वेदर हम लोग के साथ दे रहा है आज। प्लीजेंट टेम्परेचर यहाँ पे। और 2 घंटा चलाने के अपने को, तो यहाँ से है श्रीशैलम 2 hours। अभी जस्ट मैंने गूगल मैप्स में देखा 2 hours 20 minutes कुछ तो दिखा रहा था। 98 किलोमीटर से ऐसे एग्जैक्ट मतलब 100 ही पकड़ लो, तो ऐसे 30-40 किलोमीटर के बाद जंगल स्टार्ट होगा और जंगल के बाद घाट सेक्शन भी स्टार्ट होगा कि वहाँ पे बहुत मजा आने वाला है चलाने में गाड़ी। ते मम्मी पैक कर रही है शिंग आना। देखो यहाँ पे मीट मसाला लगा के फिश को रखा और यहाँ पे फ्राई करके मिलते हैं, इतना बड़ा बड़ा फिश है सर। सेक्शन तो देखा ही रहेगा। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए उमा महेश्वरम टेम्पल और ये श्रीशैलम से कुछ ही दूरी पे ही है, मतलब यहाँ से श्रीशैलम है 70-80 किलोमीटर्स, मतलब अप्रोक्स 1.5 hour के आसपास। ये माउंटेन्स क्या ब्यूटीफुल लग रहे, ऐसा लग रहा है पूरा सेट किया है माउंटेन को, एक के ऊपर एक पत्थर रखा है, सो ब्यूटीफुल ना। सो अभी यहाँ पे दर्शन लेते हैं। हम लोग वो वाले रास्ते से आए अभी, जस्ट दिख रहा है आपको यहाँ से, अभी हम लोग ऐसा पूरा ऊपर माउंटेन तक आए। और ये है टेंपल शिव भगवान का। ये स्पॉट का नाम है गौरी धारा जो कि यहाँ पे पानी कंटिन्यूस फ्लो होते ही रहता है। और सामने देखो शिवलिंग रखा है जो कि वाटरफॉल के एग्जैक्ट नीचे है।